उनको देना नर्मदे हर डे 10th और हम लोग अभी बादल पहुंच गए हैं एमपी का, जो 19 किलोमीटर चल के आए हम लोग। और यहाँ पे नकर सोलंकी के घर पे रुके हुए, उनके उनकी सेवा यहाँ पे है। और उनकी जो यहाँ पे जो बेटी है वो सिलाई कर रही है, सॉरी बहन वो सिलाई कर रही है। आपका नाम क्या है? रीता। और आपका? और उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे देखो सब कपड़े उपड़े लगाए हुए हैं, जो उन्होंने स्टिच किए हुए हैं। ऊपर भी सब कपड़े लगाए हुए हैं। और उन लोग ये स्टिचिंग का काम करते ही उनका एक इनकम सोर्स है। और घर अपना बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत अच्छे तरह से कपड़े रखे हैं। और वो दोनों बहनें हैं वो जो ये सब सिलाई का काम करते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही लगन से कर रहे हैं। और घर बहुत ही सब पुराना टाइप का, ओपन बहुत अच्छा घर है। और इन्होंने हमारी रहने की सुविधा ये घर पे में की है। हम वो सामने का पहाड़ी है वो पूरा उतर के आ गए हैं, पूरा अप डाउन बहुत था, लेकिन यहाँ आके और ये सब पूरा सीनरी देख के नीचे खेत है ये पूरा सब देख के ना पूरी थकान निकल गई। इतना अच्छा है, चारों तरफ से पहाड़ी है और बीच में छोटा सा गांव है बादल, और वहाँ पे ये नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सुविधा दे रहे हैं। और ये हमारा रहने के लिए है कमरा, यहाँ पे पूरे परिक्रमावासी आ चुके हैं। कोई अभी आया है, कोई कल के लिए देख रहा है कि कहाँ जाना है, कोई विश्राम कर रहा है, कोई बातें कर रहा है। नर्मदे हर। तो ये बहुत अच्छा, एक 4-5 दिन ये ऐसे रहते कि पूरा फैमिली जैसा हो जाता है, क्योंकि एक सेम ग्रुप ही एक साथ साथ आगे जाता है, तो इसलिए वो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग 12 बजे से, हम लोग बहुत जल्दी आए थे, 12:15 तक हम लोग पहुँच गए। बाकी सब लोग भी अभी पहुँच गए हैं। और आंगन में बहुत बड़ा बेर का झाड़ है, तो सब वो बेर निकाल के खा रहे हैं। और अभी भोजन प्रसादी भी हम लोग को मिली, दाल और खिचड़ी, और सबसे अच्छा तो ज्वारी की कड़क रोटी। और इस जगह ये सब चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोग थोड़ा लकी है कि हम लोग को इतना सब खाना मिल गया। नर्मदे हर।